हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सितंबर 2021 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसको लेकर ये रीडिंग है। और ये रीडिंग सभी के लिए होगी, गर्ल्स बॉयज सभी के लिए रीडिंग होगी। और जो रिलेशनशिप में हैं या आप अगर मैरिड हैं, जो सिंगल्स हैं, सभी के लिए ये रीडिंग होगी। और देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ को लेकर क्या मैसेजेस हैं सैजिटेरियस। तो फर्स्ट मैं यहाँ कार शफल कर रही हूँ, आप चाहें तो कार की शफलिंग को अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टेम्स पर जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट टैरो डेक के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि लव लाइफ को लेकर क्या मैसेजेस हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज हेल्प अस, सैजिटेरियस के लिए बताइए कि लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है, प्रिंसेस ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और होंगे, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कल डेक से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न, गिफ्ट। ओके, फेरिस की तरफ से क्या मैसेजेस हैं सैजिटेरियस के लिए। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ ऑटोमन, वन मोर कार्ड। ओके, द चैरियट, एनर्जी भी देखेंगे हम, एनर्जी भी देख रहे हैं। हॉस्टैलिटी इन रिवर्स, फोर्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, रेफिया, एंजल ऑफ लव, वन मोर कार्ड। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, टेलीपैथिक का कार्ड है, गाइडेंस कार्ड हम यूनिकॉर्न्स की तरफ से भी ले रहे हैं। ओके, ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए सैजिटेरियस और काफ़ी कुछ मैसेजेस आए हैं। पहले हम सिंगल्स की ही यहाँ बात कर रहे हैं, तो जो बॉयज़ हैं देख रहे हैं सैजिटेरियस, उनके लिए ऐसी कोई गर्ल आ सकती है इस मंथ में, या उनका मैरिज प्रपोजल आ सकता है जो हो प्रिंसेस ऑफ वांड्स एनर्जी की, यानी वो हो सकती हैं एरिस, लियो, सैजिटेरियस, यानी मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि की हो सकती हैं। और काफ़ी गुड लुकिंग पर्सन होंगी, क्यूट होंगी, स्वीट होंगी, इस तरह की पर्सनैलिटी गर्ल आपके लिए आ सकती हैं और काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी की हैं, यंगर लुकिंग ये गर्ल हो सकती हैं और काफ़ी स्वीटली बिहेव करने वाली होंगी और कम एज में ही बहुत सक्सेसफुल होंगी, इस तरह की आपकी लिए आ सकती हैं कोई गर्ल जिनके साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो, फ्रेंडशिप स्टार्ट हो, या फिर आपके लिए मैरिज प्रपोजल भी इनका आ सकता है। और वहीं जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये होगा, स्पेशली बॉयज़ के लिए जो सैजिटेरियस बॉयज़ देख रहे हैं उनके लिए होगा कि आपकी जो गर्ल हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है वो भी इसी तरह की पर्सनैलिटी में रहेंगी, काफ़ी स्वीटली बिहेव करेंगी आपके साथ और उनकी चार्म और करिश्मा काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा सितंबर के मंथ में। काफ़ी सपोर्ट सिस्टम भी आपको मिलेगा उनसे, न्यू फ्रेंडशिप भी स्टार्ट हो सकती है आपके लिए, ऐसा हो सकता है। और वहीं कुछ बॉयज़ के लिए जहाँ प्रिंसेस ऑफ वांड्स एनर्जी की गर्ल आ सकती हैं, वहीं कुछ के लिए ये होगा कि आपके लिए जो गर्ल आ सकती हैं वो हो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी की, यानी वो हो सकती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि की भी ये गर्ल हो सकती हैं। और ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, सच्चाई पसंद होंगी और अपनी बातों को साफ तरीके से रखने वाली हैं, इनमें कोई दोहराव छुपाव नहीं है, इस तरह की पर्सनैलिटी इनकी है और अपने कैरियर में काफ़ी सक्सेसफुल हैं ये पर्सन। इस तरह की हो सकती हैं आपके लिए कोई गर्ल आए जिनका मैरिज प्रपोजल आए आपके लिए। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये होगा कि अगर आपके जो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है
चाहे वो मैरिड कपल्स भी हैं, तो उन अगर आपकी वाइफ का जॉडियक साइन जैसा मैंने बताया कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में से है, तो आपकी जो वाइफ हैं वो भी इसी तरह की पर्सनैलिटी में रहेंगी, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सच्चाई के साथ चीज़ें रखने वाली हैं आपके लिए, और काफ़ी समझदारी से निर्णय करने की स्थिति में रहेंगी इस सेप्टेम्बर के मंथ में, और आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा अपनी पर्सन से। और जो गर्ल्स देख रही हैं सैजिटेरियस, उनके लिए कोई बॉय आ सकते हैं जो हो नाइट ऑफ कप्स एनर्जी के, यानी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं, कर्क राशि मीन राशि वृश्चिक राशि के ये पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी गुड लुकिंग हैं, खूबसूरत हैं, सिंगर डांसर राइटर पेंटर आर्किटेक्चर यूट्यूबर ब्लॉगर हो सकते हैं, या फिर ये जो भी कोई काम करते हैं उसमें काफ़ी इनकी क्रिएटिविटी अलग से दिखती है, और काफ़ी भावनाओं को समझने वाले इंसान होंगे, इमोशंस की काफ़ी कद्र करेंगे आपकी, और काफ़ी सपोर्ट सिस्टम इनका भी रहेगा, और ये सॉफ्ट हार्टेड हैं और रूड नहीं है। इस तरह के पर्सन आपके लिए आ सकते हैं थ्रू मैरिज प्रपोजल, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं और उनकी पर्सन अगर उनका जॉडिक साइन कैंसर स्क्रोपियो पाइसिस है, तो आपके पर्सन भी इसी तरह की एनर्जीज में रहेंगे, काफ़ी आपकी इमोशंस को समझेंगे और भावनाओं की काफ़ी कद्र करेंगे। अगर कुछ रिलेशनशिप में अप डाउन्स हैं तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे आपके, स्पेशली जो जॉडिक साइन मैंने बताया, अगर उसके पर्सन आपके हस्बैंड हैं या आपका रिलेशनशिप है उनसे, तो उनके साथ चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से चलने वाली है सेप्टेम्बर के मंथ में। और वहीं कुछ गर्ल्स के लिए ऐसे पर्सन का मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो, इस तरह के बॉय आपके लिए आ सकते हैं जो वृषभ राशि मकर राशि कन्या राशि के हो, काफ़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और पैसा बहुत अच्छा अर्न करते हैं, इस तरह के हैं, चाहे उनका जॉब हो बिजनेस हो, वो काफ़ी अच्छी स्ट्रांग पोजिशन पर हैं और बड़े सिटी एरिया से हो सकते हैं, उनका मैरिज प्रपोजल आपके लिए आ सकता है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ, ऐसी गर्ल्स के लिए ये होगा कि आपके पर्सन काफ़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे इस मंथ में, और ये हो सकता है कि आपके लिए वो भी वो काफ़ी कैरियर में आपको हेल्प करे, इस तरह का भी आपके लिए लग रहा है, और काफ़ी कह सकते हैं कि आपके लिए एक स्टेबल मंथ होने वाला है सैजिटेरियस के लिए, और ओवरऑल गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए होगा। ओवरऑल सैजिटेरियस जो हैं वो अपने खुद के काम पे भी बहुत अच्छा फोकस कर पाएंगे इस सेप्टेम्बर के मंथ में। एट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आपके लिए आई है, काफ़ी हार्ड वर्क करने वाले हैं आप सेप्टेम्बर में, और सैजिटेरियस आपको काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल गेन भी होगा, उस मेहनत का आपको काफ़ी अच्छा फल मिलेगा, काफ़ी शिद्दत से मेहनत करने वाले हैं आप, और आपकी मेहनत बहुत सफल होते हुए दिख रही है, चाहे आप स्टडीज़ करते हैं या आपका बिजनेस है जॉब है, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और अपना काम बहुत इंजॉय करेंगे, और ये सभी सैजिटेरियस के लिए होगा, और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलते हुए दिख रहे हैं इस मंथ में, यानी आप पैसा काफ़ी अच्छा अर्न करेंगे, और इसी वजह से आप काफ़ी खुश और पॉजिटिव एनर्जी में भी यहाँ दिख रहे हैं और वर्क काफ़ी करने वाले हैं सेप्टेम्बर में आप। वहीं आपके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए कुछ एनर्जीज आई है सेवन ऑफ सॉर्ड्स की, ये गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए यहाँ मैं बात कर रही हूँ, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं उन लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं उन्होंने कुछ चीज़ों को छुपाया और वो चीज़ें अब आपके सामने आई, और इसी वजह से कुछ स्ट्रगल्स आपके बीच में हुए और प्रॉब्लम्स हुई और आपको लगा कि आपसे कुछ छुपाया गया, और वहीं ये है कि आपके पर्सन ने शायद मूव ऑन कर लिया या आपसे कॉन्टेक्ट में नहीं है, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ दिख रहा है, और वो कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं पर थोड़ा असमंजस में है कि पता नहीं आप उन सब चीज़ों को कैसे लेंगे और किस तरह से सब कुछ ठीक होगा। पर यहाँ वहीं आप यहाँ देख रहे हैं फॉक्स स्पिरिट है, तो आपके जो पर्सन हैं अगर आपका मनमुटाव है उनके साथ या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या लॉन्ग डिस्टेंस में है आपका आपके पर्सन के साथ, तो यह हो सकता है कि कोई बहुत ही समझदार इंसान होंगे, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं फॉक्स स्पिरिट हमारे पास आई है, तो किसी समझदार इंसान की इंटरफेयर की वजह से वो काफ़ी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे और आप लोगों का कॉन्टेक्ट भी हो सकता है, पर इसके लिए आपको ही यह है कि उनकी बात समझने के लिए आपको उनको एक मौका देना होगा, तभी ये चीज़ें आपके लिए हो पाएगी सैजिटेरियस। और वैसे ये मंथ काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, ओवरऑल एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी आई है, और आगे कार्ड्स हम देख ही रहे हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जिनका मैसेज आप किसी से आप एक्सेप्ट कर रहे थे, तो वो मैसेज या फ़ोन कॉल भी आपके लिए आ सकता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं मैसेज भी है और फ़ोन को भी दिखाया गया है, तो कोई कॉल आ सकती है आपके पर्सन की, स्पेशली नो कॉन्टेक्ट में जो हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो उनके लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बहुत जल्द मैसेज करें फ़ोन करें। और सेवन नंबर आया है तो मिरेकल नंबर है, कुछ आपके लिए अनएक्सेप्टेड बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है और ये आपके लिए होगा सैजिटेरियस। वहीं अगेन मैसेज ऑफ कंसर्न का कार्ड है, आपके पर्सन काफ़ी याद कर रहे हैं आपको, जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी
जैसा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोग बात नहीं हो रही है और कुछ दिक्कतें हैं, तो यह है कि आपको बहुत ही जल्द मैसेज मिले, क्योंकि 14 नंबर आया है, 5 नंबर होता है, इसको ऐड करते हैं तो 5 नंबर चेंज का नंबर माना जाता है। तो आपके सिचुएशन में बहुत जल्द चेंज होगा और पर्सन भी आपको अभी तक भूल नहीं पाए हैं और वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, और इस मंथ में आपके लिए उनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, स्पेशली जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। और वहीं नेक्स्ट कार्ड बहुत अच्छा आया है आपके लिए, गिफ्ट का कार्ड आया है, तो जो आपके पर्सन हैं वो आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, ये हो सकता है वो आपको कुछ गिफ्ट देने का प्लान कर रहे हैं। आप अगर मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन आपको कुछ गिफ्ट करना चाह रहे हैं और ये आपके लिए एक सरप्राइज़ की तरह होगा। और वहीं जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए हो सकता है कि आपको एक न्यू रिलेशनशिप ऑफ़र हो और ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एक गिफ्ट की तरह होगा और एक सरप्राइज़ गिफ्ट की तरह होगा। 17 नंबर है, 8 नंबर है, जस्टिस का नंबर है, तो आपको लगेगा कि ये रिलेशनशिप आपके लिए एक न्याय की तरह हुआ है, या कहें कि आपको जस्टिस दिलाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। काफ़ी खूबसूरत इंसान आपके लिए आने वाले हैं जो आपके लिए एक गिफ्ट की तरह होंगे और ये आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा इस मंथ में। और एनर्जीज़ भी हमारे पास आई है कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ बैलेंस आप देख रहे हैं, आपका रिश्ता अगर इम्बैलेंस में है या कह सकते हैं कि असंतुलन में अगर आपका रिश्ता चल रहा है अपने पर्सन के साथ, तो आपका रिश्ता बहुत जल्द बैलेंस में आएगा। और कुछ लोगों का कॉर्ट मैरिज भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड यहाँ आप देख रहे हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है पीछे, तो कुछ लोगों की कॉर्ट मैरिज हो सकती है, आपके पर्सन आपको कमिट करें और शादी करें, ये भी हो सकता है आप लोगों के लिए। और वहीं आर्केंजल्स की ब्लैसिंग्स भी आई है, 4th चक्र आर्केंजल राफियाल आए हैं आपको ब्लैसिंग्स देने के लिए। हार्ट चक्र ओपन होगा आपके पर्सन का, अगर नो कॉन्टेक्ट है या आप लोगों के बीच में कुछ अप डाउन्स चल रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं आपके बीच में, या अभी आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो आपके पर्सन का बहुत जल्द हार्ट चक्र ओपन होगा और वो आप तक आएंगे। आर्केंजल राफियाल इस बात की श्योरिटी दे रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स बहुत जल्द दूर होगी इस मंथ में, और ये सब आपके लिए सेप्टेम्बर के मंथ में होने वाला है। और वहीं एंजल ऑफ लव आपको ब्लैसिंग्स देने के लिए आए हैं, जो एक न्यू रिलेशनशिप की स्टार्टिंग को बताते हैं। जिन लोगों का रिलेशनशिप है वो भी फिर से एक नई स्टार्टिंग को पाएगा और कह सकते हैं एक नई शुरुआत हो सकती है। जो लोग अभी सेपरेशन में हैं उन लोगों के लिए भी हो सकता है, सेपरेशन चल रहा है उनके लिए भी हो सकता है कि आपका फिर से उन्हीं के साथ रिश्ता स्टार्ट हो, ये हो सकता है आपके पर्सन आपको कनेक्ट इस मंथ में किसी तरह से वो आपसे कनेक्ट हो। और जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए तो एक न्यू लव की शुरुआत हो रही है और एंजल ऑफ लव आपके लिए ये एक ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं, और काफ़ी रोमांटिक मंथ ये रहेगा। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं हेयर में इनके रेड रोजेज हैं, तो आपके लिए काफ़ी खूबसूरत मंथ रहेगा स्पेशली लव लाइफ को लेकर। और एंजल ऑफ लव आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और बहुत खूबसूरत मंथ रहेगा ये आपके लिए, हर तरह से रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे बैलेंस में आएंगे। इवन वहीं हॉस्टैलिटी का कार्ड आया है इन रिवर्स, तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन अभी तक काफ़ी अग्रेसिव होकर आपके साथ बिहेव कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए होगा, सभी के लिए नहीं है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिड कपल्स हैं उनके लिए ये था कि आपके जो पर्सन हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए, मैं पर्सन वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो जो आपके पर्सन हैं वो काफ़ी सेजिटेरियस आपके साथ अग्रेसिव अगर बिहेव उन्होंने किया था, काफ़ी रूडली बिहेव किया या आपको इग्नोर किया या काफ़ी हार्श कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में हुआ, कुछ आर्ग्यूमेंट हुए आपके बीच में, कुछ कन्वर्सेशन ठीक नहीं रहा आपका, उनके साथ बातचीत सही तरीके से नहीं हो पाई, या कुछ अग्रेशन आपने आपके पर्सन का देखा है सेजिटेरियस, तो आपके लिए है कि इस मंथ में वो भी ठीक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड आया है इन रिवर्स, तो आपके पर्सन जो हैं अब काफ़ी पोलाइटली आपके साथ बिहेव करेंगे इस मंथ में, उनमें कोई अग्रेशन नहीं होगा, समझदारी से निर्णय लेंगे और वो अपनी चीज़ों को रियलाइज़ भी करेंगे, जो उन्होंने गलत किया है आपके साथ उसको लेकर वो सॉरी भी फील कर सकते हैं। और वहीं स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो सेजिटेरियस आप लोग काफ़ी स्ट्रेंथफुल रहेंगे, कहें कि आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, काफ़ी हिम्मत आएगी आप में अपने डिसीजंस लेने की। और लायन यहाँ आप देख रहे हैं, जो सिंबल है फ्रीडम का, कॉन्फिडेंस का और एक अच्छी गुड हेल्थ का भी, तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, आप काफ़ी आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे, आप में काफ़ी हिम्मत आएगी। और 11 नंबर आप देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग सॉलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, तो आपके लिए हो सकता है जो सिंगल्स हैं उनके लिए ऐसे पर्सन आए
जो स्पेशली लियो हों, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड लियो कार्ड भी माना जाता है, तो सिंह राशि के पर्सन भी आपके लिए आ सकते हैं। काफ़ी स्ट्रांगली ये आया है और ये आपके सॉलमेट हों, ये भी हो सकता है आप उनसे मिलें इस मंथ में जो सिंगल्स हैं। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए है कि आपके पर्सन भी सिचुएशंस का चार्ज लेंगे और आपके भी काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ी हुई रहेगी, तो ये रिलेशनशिप एक बहुत स्मूथ तरीके से आगे बढ़ने वाला है। और जो यहाँ मैसेज है, द ग्रेस एंड इनर स्ट्रेंथ नीडेड टू ओवरकम चैलेंजेस, द पावर ऑफ काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस, टाइम टू एम्ब्रेस हाउ वंडरफुल यू आर। जी, आपके लिए टाइमिंग बहुत अच्छा रहेगा, ये सितंबर का मंथ काफ़ी ब्लेसिंग्स लेके आया है आपके लिए और आपकी स्पार्क काफ़ी बढ़ेगी, आपकी शाइन काफ़ी आप करने वाले हैं इस मंथ में सेजिटेरियस। और वहीं जो सिंगल्स हैं उनके लिए जो पर्सन आ सकते हैं, यहाँ गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए मैं अब पर्सन वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो उनमें कुछ क्वालिटीज़ होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उनमें कुछ विशेषताएँ होगी जो हो सकते हैं कंपैशनेट हों, अकम्प्लिस्ड हों, करिज्मेटिक होंगे और गिफ्टेड हैं। उनमें एक चार्म, एक करिश्मा होगा जो आपको अलग से बहुत अट्रैक्ट करते होंगे लोगों को, इस तरह का उनमें एक चार्म और करिश्मा है। और इस तरह के पर्सन आपके लिए आ सकते हैं जो काफ़ी खूबसूरत हैं और उनकी प्रेजेंस आपको कह सकते हैं कि इस तरह की प्रेजेंस है उनकी कि काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं। और जो मैसेज है, बी असर्टिव व्हेन इट्स कम टू व्हाट यू नो इज़ राइट, एवरीथिंग गोइंग योर वे, ए गुड पर्सन और कंपनी टू वर्क फॉर। जी, इनके साथ आप हो सकता है वर्क के थ्रू कनेक्ट हो, यानी ये आपके वर्क प्लेस पर आपके आपसे कनेक्ट हुआ, ये भी हो सकता है सिंगल्स के लिए। और वहीं जो वहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनके साथ स्टडीज़ करते हों या ये आपके साथ जॉब करते हों, आपके कलीग्स में से कोई हों, वर्क प्लेस पर आप लोगों का मिलना हो सकता है। और ये काफ़ी हेल्पफुल पर्सन होंगे, आपके काफ़ी मदद करेंगे आपके कैरियर में और वर्क में भी, इनका काफ़ी हेल्पिंग नेचर रहेगा। वहीं द चैरियट कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है। जिन लोगों का नो कॉन्टेक्ट है या ऐसा है कि आप लोगों के पर्सन काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे है आपसे, तो ये मूव करके आएँ, जर्नी के थ्रू आप तक आएँ, ऐसा हो सकता है। अगेन 7 नंबर आया है जो मिरेकल नंबर माना जाता है, डिवाइनली गाइडेड है आपका रिश्ता। और फेरीज की तरफ से जो मैसेज है, सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम डेडिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, सेलिब्रेटिंग योर अकम्प्लिशमेंट, बींग इन द स्पॉटलाइट। जी, आप काफ़ी स्पॉटलाइट में रहेंगे सेजिटेरियस, आपको काफ़ी कह सकते हैं लोगों से अटेंशन बहुत मिलेगा और शाइन करेंगे आप। और ये है कि आप ट्रैवल आप भी कर सकते हैं, आप लोगों के लिए है कि आप काफ़ी स्पॉटलाइट में रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा और सक्सेस भी आपके लिए आ रही है। तो ये है कि आपका वर्क, आप जो भी कर रहे हैं उसको इसी तरह से कंटिन्यू कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट इस मंथ में वेट कर रहे हैं और ओवरऑल सारी एनर्जीज बहुत अच्छी आई है आपके लिए। वहीं अटलांटिक कार्ड्स की तरफ से हमें टेलीपैथी का कार्ड आया है और जो मैसेज है, क्लियर योर माइंड टू ट्रांसमिट एंड रिसीव मैसेजेस। जी, आपके पर्सन के साथ आपका कोई टेलीपैथी कनेक्शन हो सकता है, स्पेशली जो रिलेशनशिप में हैं या मैरिड कपल्स हैं उन लोगों के लिए है कि जिनका डिस्टेंस है अभी, तो आपके पर्सन जो हैं उनके साथ आपको एक टेलीपैथी कनेक्शन है और ये चीज़ बता रही है कि आप लोगों का सॉलमेट कनेक्शन हो सकता है और कुछ गट फीलिंग्स आपको इस मंथ में आ सकती हैं या इंट्यूशंस आ सकते हैं अपने पर्सन के लिए, और आपको उन इंट्यूशंस को सुनना है। और यही मैसेज आपके लिए आया है। और यूनिकॉर्न्स की तरफ से मैसेज आया है आप लोगों के लिए, डिवाइन इंसाइट का, सी द डिवाइन इन एवरीवन। जी, आपके लिए यह है कि आप अभी काफ़ी स्टक हैं सिचुएशन में, जिन लोगों का ऐसा है कि वो काफ़ी प्रॉब्लम्स में हैं और आपकी लाइफ अगर कुछ स्ट्रगल से गुजरी है, तो यूनिकॉर्न्स आपके लिए कह रहे हैं कि सभी जगह जिनको भी आप मानते हैं भगवान, ईश्वर या परम शक्ति, हर जगह उपस्थित है। आप ये ना सोचें कि आप अकेले हैं, और आपको एंजल्स नंबर भी दिख रहे होंगे और रिपीटिंग नंबर दिख रहे होंगे या फेदर्स आपको मिल रहे होंगे, इस बात का इंडिकेशन है कि भगवान या गॉड, एंजल्स आपके साथ हैं और आप अकेले नहीं हैं। और ये टाइमिंग जो है बहुत जल्द आपके लिए चेंज होगा, अगर आप चैलेंजिंग टाइम में रह रहे हैं और आपकी बातें या आपकी प्रार्थनाएँ, दुआएँ सुनी जा रही है, और अब बहुत जल्द आपके लिए बहुत अच्छा टाइमिंग भी आने वाला है और आप अपने आप को किसी भी तरह से, जो भी आपका रिलीजन है या स्पिरिचुअल बिलीफ आपका है, उनसे इसी तरह से कनेक्ट रहिए। आप गॉड आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं, और अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखिए, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आपके लिए होने वाला है। वहीं हम देख रहे हैं जो सेजिटेरियस सिंगल हैं उनके लिए स्पेशली कौन से पर्सन आ सकते हैं, उनके जॉडिक साइन और अल्फ़ाबेट्स क्या हो सकते हैं, और आपके पर्सन की तरफ से मैसेज क्या होगा, ये भी हम देखेंगे।
नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं कि आपके पर्सन जो इस मंथ में आपसे कनेक्ट होंगे सिंगल्स के लिए, उनके जॉडिक साइन क्या हो सकते हैं। कैंसर हो सकते हैं, वो कर्क राशि के हो सकते हैं जो आपसे कनेक्ट हों इस मंथ में। स्कॉर्पियन हो सकते हैं, वो वृश्चिक राशि के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आपके लिए, यानी मकर राशि के भी आपके पर्सन हो सकते हैं जो आपसे कनेक्ट हों इस मंथ में। जेड नाम से उनका नाम स्टार्ट हो सकता है, आर नाम से हो सकता है उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वी नाम से भी हो सकता है और पी नाम से भी हो सकता है, ये उनके अल्फ़ाबेट से। वहीं आपके पर्सन की तरफ से हम मैसेज देख रहे हैं, क्या मैसेज होगा आपके पर्सन की तरफ से। आई हैव सेल्फ इस्टीम इशूज, सॉरी इफ दैट इंटरफियर्स विथ माई एक्शंस। जी, आपके पर्सन यहाँ कह रहे हैं कि उनमें स्वाभिमान ज़्यादा है और इस चीज़ को आप गलत तरीके से ना देखें। और वहीं कुछ और मैसेजेस भी ले रहे हैं, आई डू नॉट वॉन्ट टू लूज यू। जी, आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। और आई लव आवर टेलीपैथिक बॉन्ड। जी, यहाँ से भी ये मैसेज है कि आप लोगों का टेलीपैथिक बॉन्ड है वो आपके पर्सन को बहुत पसंद है, मे बी आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं। कुछ और मैसेजेस भी ले रहे हैं, प्लीज़ स्टे, आई वॉन्ट टू फील हाउ फॉर एवर फील्स। जी, वो आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आपके साथ रहना कितना खूबसूरत हो सकता है। यू आर द रीज़न आई बिकम स्ट्रॉन्गर बट स्टिल यू आर माई वीकनेस। जी, आपके पर्सन की तरफ से ये भी मैसेज है, आई कैन नेवर से इट बट आई डू लव यू। जी, आपके पर्सन ने कहा नहीं है पर वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आई लाइक यू, आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं। इट्स टुक मी मच टाइम टू रियलाइज दैट आई वॉज रॉन्ग। जी, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उन्हें बहुत समय लगा ये जानने में कि वो गलत थे। तो आप लोगों के लिए ही मैसेजेस थे और यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशंस फ्रॉम दिस चैनल। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।